हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका MR एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट की, जो 15 गुना की लिस्ट है आपको कब देखने को मिलेगी, साथ ही साथ CET की जो 15 गुना की लिस्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उसकी भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके CET में कितने नंबर बन रहे हैं, आप सेफ जोन में है या नहीं, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम देखते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट, काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में अभी डाउट है कि हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन CET में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर में CET में नंबर आएगा, या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में यह डाउट चल रहा है, उसकी वजह से वो पूरे मोटिवेशन से भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सवाल उठता है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो 15 गुना की लिस्ट है वो हमको कब देखने को मिलेगी, तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव का जो प्रोसेस है। तो इस लिस्ट की हम बात करें कि जो CET की 15 गुना की लिस्ट है वो आपको दिसंबर एंड तक देखने को मिल जाएगी। अगर दिसंबर एंड में आपको यह देखने को नहीं मिलती है तो 99% आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ये जो 15 गुना की लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो इंतज़ार है जनवरी फर्स्ट वीक तक रहेगा, या आपका जो दिसंबर है उसके एंड में भी पूरे पूरे चांस है कि जो 15 गुना की आपकी लिस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं CET की जो 15 गुना की लिस्ट है आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जो आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें या किसी और एग्ज़ाम की इसमें आप तैयारी कर सकें। तो हम देखते हैं कि जो आपकी जो कट ऑफ है CET की 15 गुना की, तो कितने नंबर आपके इसमें बन रहे हैं। तो जनरल की अगर हम बात करें तो आपके 155 प्लस अगर नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। OBC की हम बात करें तो 150 आपके इसमें नंबर बन रहे हैं, और EWS और OBC इन दोनों के लगभग बराबर ही कंपटीशन रहता है, और OBC के अंदर इस बार सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो जनरल की मैंने आपको बताया कि अगर आपके 155 के आसपास अगर आपके CET के अंदर नंबर आ रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। OBC के आपको 150 अगर आपके नंबर इसमें बन रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करें MBC, SC और ST, इन तीनों कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इनमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम रहने वाला है। 145 आपका MBC के अंदर, और ST और SC आपका 140 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जनरल, OBC, EWS, MBC और ST, इतने जो मैंने आपको नंबर बताए हैं इसके आसपास 2 या 3 से नंबर आपका फ़र्क देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपके इसमें नंबर बन रहे हैं तो आप जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। CET में आपका पूरा सिलेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो अगर तैयारी की हम बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं और इतने नंबर उनको बन रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी है आप अच्छी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट है वो आपको दिसंबर के एंड में ही देखने को मिल जाएगी, ताकि आपका जो डाउट है वो भी पूरा कंफर्म में बदल जाएगा कि आपकी जो कितने बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है और आपके जो नंबर भी है वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। कट ऑफ भी सामने आ जाएगी कि जो 15 गुना की जो लिस्ट है उसकी कट ऑफ क्या गई। तो अगर आपके जो ये नंबर इनके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं 155 से, इनमें 2-3 नंबरों का डिफरेंस है, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं अभी,
और जिनके इनसे कम नंबर बन रहे हैं वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो मिनिमम टू मैक्सिमम बताई है। तो इस प्रकार से जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट की 15 गुना की लिस्ट है तो आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगी, लास्ट वीक में। और इस प्रकार से ये जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं। इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।